तो उन्होंने बताया यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा जाना, तो वहाँ पे है फोल्ट। पनम्बोर बीच, गाड़ी लॉक हो गया, अभी हेलमेट लॉक कर लेंगे। यहाँ पे हवा बहुत तेज़ है, तो ये हम आ चुके हैं पनम्बोर बीच। दूर से वहाँ एक शिप जा रही है और वहाँ एक शिप जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बोट दिखाया था ना, वो लोग इधर लेके सीधा उस पार पार्किंग करने गए। ये था दूसरा शिप और वो जो पहले का शिप था जो यहाँ पे कहीं यहाँ पे खड़ा था, वो उधर सामने जा रहा है। पिछले एक घंटे से मैं पनम्बोर बीच में ही हूँ। बहुत गर्मी है, ह्यूमिड क्लाइमेट। अरे यार, इतना जल्दी जल्दी थक जाता है ना इंसान यहाँ पे। वो बताओ ना यहाँ के लोग कैसे रहते, उन्हीं को पता। मैंगलोर का पनम्बोर पोर्ट इधर बगल में ही है। अभी जस्ट मैंने शिप्स दिखाए ना, वहाँ पे गया था, उन्होंने मना कर दिया, तो आके मैं यहाँ पे बीच पे बैठ गया। द वेव्स आर गेटिंग बिगर एंड बिगर। आई थिंक हाई टाइड हुआ है, मतलब इधर तक पानी नहीं आ रहा था। जब मैं एक घंटे पहले आया था तब पानी उधर तक आ रहा था, तो ट्रांजिशन पे लगता है हाई टाइड की। इट्स टाइम टू लीव पनम्बोर बीच। मैंने यहाँ पे स्विमिंग नहीं की क्योंकि पिछले 3 दिन से तो यही अरेबियन सी में ही स्विमिंग हो रही है, तो मैंने सोचा यार आज एक दिन रेस्ट ले लूँ। बहुत धूप है, आइसक्रीम खा लेता हूँ। तो बटर स्कॉच, ये हो गया आइसक्रीम खत्म। और वो जा रही है इंडियन नेवी का शिप, उसका आवाज यहां तक सुनाई दे रहा है। और ये रही बीच की साइन बोर्ड जो पहले यहाँ पे लगी हुई थी, यहाँ पे ऐसे। यह है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिस। पोर्ट है वहाँ पे, पनम्बोर बीच है, तो मैं ऐसे ही गुजर रहा था, तो यहाँ पे मैंने देखा ट्रेन के, इन्होंने गेट बंद कर दिया है, ट्रेन इधर रोक दिए। और इधर और एक, और यहाँ पे गेट, यहाँ पे भी गेट बंद कर दिया उस तरफ, तो अभी क्रॉसिंग है।